नमस्कार। आज हमारे साथ में हमारे एक पेशेंट है जिनका नाम बताएंगे नहीं हम, क्योंकि एक कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, सीक्रेसी रहती है। मगर उनको क्या था और अभी इलाज के बाद में कैसा लग रहा है उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि ये जो मानसिक बीमारी है वो ठीक हो सकती है, लोग अच्छे हो सकते हैं, अपना अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं और अपना जीवन अच्छा बिता सकते हैं। तो नमस्कार, आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम था। मुझे प्रॉब्लम था कि जो मैंने इंटरनेट पे बीमारी देखा था, तो हुआ कि जो मुझे ये सब हो गया है, मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगा था। तो उसके बाद मैं आया आपके पास तो मैं ठीक हो गया। हाँ, तकलीफ क्या थी इनको? आपके पिताजी भी है साथ में, क्या तकलीफ थी इनको बताइए, वहीं से बताइए। तकलीफ थी सर, ये अपने सेंस में थे ही नहीं। सेंस में नहीं थे जी, सेंस में नहीं थे। हाँ, क्रोध बहुत ज्यादा था, मारपीट बहुत करते थे, और खाना नहीं खाते थे और सुसाइडल विचार थे, खुदकुशी करने के विचार थे जी। तभी हमने जब इलाज किया उनको, सब शॉक ट्रीटमेंट दिया, जो भी इलाज किया है, तो उससे भी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो पूरा बीमारी मेरा खत्म हो गया है। हाँ हाँ, अब जो शादी के लिए मैं तैयार रहता हूँ। अब शादी करनी है? हाँ, शादी करनी है। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड। तभी ठीक है? हाँ, अभी एकदम ठीक है, एकदम ठीक हुआ है आपकी कृपा से। हम नहीं समझते थे कि आपका लड़का बचेगा, लेकिन आपके आपको लग रहा था कि बचेगा नहीं लड़का। हाँ, मगर वो बच गया और अभी बच अच्छा गया, काम भी कर रहा है, ठीक भी हो गया और दवा तो खाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, गुड। हाँ सर, सुसाइडल थॉट था, खाता नहीं था, घूमता था, जहाँ तहाँ गया, बहुत बोलता था, बुदबुदाता था। स्थिति एकदम गड़बड़ थी, हमको उम्मीद नहीं थी कि कहीं हम इसको बचा पाएंगे। और कहाँ कहाँ इलाज नहीं कराया, बहुत जगह इलाज कराया, तब किसी सूरत में हमको ज्ञात हुआ सर के बारे में। तो आए सर, चैलेंज के रूप में लिए और आज मेरे चेहरे पर हंसी है। हम सर को तो कुछ दे नहीं सकते हैं, हम सर को भगवान को लोग क्या देगा, फूल पत्ती चढ़ाता है और तो कुछ नहीं चढ़ाता है, और औकात ही क्या है आदमी की। हम बहुत शुक्रगुजार हैं साहब का, साहब 200 वर्ष जिए कि हम जैसे पेशेंट का इलाज कर दें। अकोला से 3500 किलोमीटर दूर है, काफ़ी सारा इलाज काफ़ी डॉक्टरों का किया और यहाँ अच्छे हो गए। तो ऐसा है कि मानसिक बीमारी अच्छी हो सकती है, उसका इलाज प्रॉपर होना जरूरी है, और इलाज करते हैं, दवाई लेते हैं। अब हमको क्रेडिट दे रहे हैं, मगर आपने भी तो इसकी दवा किया, हमने जैसा ऐसा बोला वैसा ऐसा किया, हिम्मत ना हारे। बहुत दिन आपको यहाँ इतना दूर रहना पड़ा, घर से दूर रहना पड़ा, इलाज करना पड़ा, तो ये सब संभव हुआ क्योंकि आपने भी निरंतरता से बराबर उसका कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली वो किया करके हुआ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे इस तरह की मानसिक बीमारियाँ ठीक होती है। हमारे यहाँ दो तरह के हॉस्पिटल है, एक है कि जहाँ रिलेटिव्स के साथ में हम पेशेंट को रखते हैं और उनका इलाज करते हैं, और दूसरा जो हॉस्पिटल है वहाँ रिलेटिव के अलावा पेशेंट को भर्ती करते हैं और वहाँ उनका इलाज करते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वो लोगों को शेयर करो कि जिनके यहाँ क्रॉनिक पेशेंट है, स्किज़ोफ्रेनिया के हो या क्रॉनिक मानसिक बीमारी है, पुरानी बीमारी है, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उनको एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है।
वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।